देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर हराना है और हम समझते हैं कि कल जितने भी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, जितने भी नेता वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, उनसे ज्यादा अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर हराना चाहता है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और अगर आप MIM को छोड़ के अगर कोई ऐसा एक गठबंधन बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर आपका लक्ष्य ये है कि BJP को हराना है करके, तो कभी कामयाब नहीं होगा। हम तो ये चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आप हमें क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर आप ये मानते हैं, आपको मालूम है अच्छी तरीके से एक बहुत बड़ा तबका जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मानने वाला है, कई राज्यों के अंदर मानने वाला है, तो आप इन्हें नज़रअंदाज करके कहीं ना कहीं आप अपने उस मकसद को कमज़ोर कर रहे हैं। आप बुलाइए हमें, हम आने के लिए तैयार है। अभी और आपने आप बताइए, अब मेरे बाजू खड़े रहे कि इम्तियाज साहब बोले बात से क्या है? तो आपका आपकी राय बताइए सर। नहीं, राय क्या है भाई, मेरे पार्टी के आपको क्यों बुलाया नहीं है, आप पर विश्वास नहीं है, ऐसा इनका कहना है। मेरे को नहीं मालूम, आप उनसे पूछो। आपको अपेक्षाएं थी उन्होंने बुलाने की? मेरे को नहीं मालूम क्यों नहीं बुलाया या बुलाएंगे, मेरे को नहीं मालूम। जो इनके साथ जो बात रखे बहुत सीरियस है ना सर। आपका और महागठबंधन का एक ही मंशा है मोदी गवर्नमेंट को हराना, तो आप क्यों नहीं जाके रुझू सर? क्यों नहीं जाके आप जाके क्यों रुझू नहीं हो सकते? ये दोनों का मंशा तो एक ही है ना, मकसद एक ही है ना। अब ये बताइए, प्यासा कुएं का नहीं आता या कुआ पाए प्यासे के? बता सभी तो पैसे ही है ना। सबसे ज्यादा जब से भाजपा की सरकार बनी है सबसे ज्यादा अगर किसी को मार्जिनलाइज किया गया, एलिनेट किया गया, सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किसी से हुआ तो वो दलित आदिवासी और मुस्लिम समाज को किया। आप इसको भी तो देखो, आप आज सबसे ज्यादा अगर मॉब लिंचिंग होती है, सबसे ज़्यादा अगर किसी के घर तोड़े जाते हैं, झूठे इल्जामात में किसी को उठा दिया जाता है, तो कौन है? कौन सी समाज के लोग हैं? तो इसमें अगर एक आपको BJP को हराने का है तो आपको एक एजेंडा बनाना पड़ेगा। क्या है वो, कैसे आगे बढ़ेंगे आप? सवाल मेरा नहीं है ना, सवाल असदुद्दीन अवैसी का नहीं है, सवाल ये है कि आप इन चीज़ों पर गौर करो। आप सर सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं, आपकी क्या राय है BJP को हराने के लिए, आपका क्या है? जो 21 साल से नहीं हरा है वो यहाँ हरा दिए ना औरंगाबाद जनता ने, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? आप दिन पहले प्रकाश अम्बेडकर मजार पर आते हैं और अगर आपके एक एक बात सुनिए, मैं बाड़ा साहब की बहुत इज्जत करता था और करता रहूँगा। गए हैं अब उसका और सब्सटेंशिएशन बाड़ा साहब खुद कर सकते हैं, वो खुद कर सकते हो, काबिल हैं अपनी बात रखने के। हमारा बोलना ये है कि आप जो है जैसा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का शेड्यूल है, उस शेड्यूल में 44 ऑर्गेनाइजेशन बैन है, तो हम इन तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि भैया आप सत्ता में हैं, आप लोग फोटोज को भी एक लिस्ट बना दो, ये फोटो जो रखेगा उसको जेल को भेजा देंगे, UAPM फोटो की लिस्ट बना दो आप, अच्छा रहता ना। ये फोटो नहीं रखना चाहिए, बोर्ड से के रख सकते, आप से के रख सकते, मरीन की नहीं रख सकते या इनके रख सकते, आप एक फोटो की लिस्ट बना दो, अच्छा है ना, लिस्ट बना दो, उसको बोलो जो एक फोटो रखेगा उसको हम UAPM में डाल देंगे, क्या बोल सकते? कुछ प्लान है ऐसा लग रहा है, ये सब चल रहा है तो इलेक्शन सामने। हमारा मानना यह है कि ये सब तमाम चीज़ें जो हो रही है, हम महाराष्ट्र की पुलिस डिपार्टमेंट से और महाराष्ट्र की
ब्यूरोक्रेसी से अपील कर रहे हैं कि आप महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को बिगड़ने से बचाइए। पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएंगे चले जाएंगे, मगर लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहना चाहिए। जो डिलीबरेट तरीके से इस तरह से हरकतें की जा रही हैं वो ठीक नहीं है महाराष्ट्र के लिए। सर, तुम्हारे में कई PCR BRS में आने के लिए महाराष्ट्र में बीजेपी और कुछ बड़े नेताओं को ऑफर कर रहे हैं। अभी नाम आया है कि पंकजा मुंडे जो बीजेपी में सीनियर लीडर है, तो भी आइए, हम आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे, ऐसे ही ऑफर है। पंकजा मुंडे को तो 2 साल पहले ऐसा बोले थे, 2 साल पहले बोले थे उनको, इनको समझ रहे नहीं उन्होंने। 2 साल पहले इम्तियाज साहब जो है, अब बाज़ लोग जो है हवा को सूंघ के बोलते बारिश हो रही है, इम्तियाज साहब पहले ही बोलते देखो ऐसा होने वाला है। 2 साल पहले इम्तियाज साहब बोले थे उनको, आप खुद कैरी कर रहे थे ना उसको, वो उनको सोचना चाहिए। अब कोई भी अपनी पार्टी को आगे बढ़ा सकता है, ये तो उनका डेमोक्रेटिक राइट है। आप भी बुलाएंगे CM के उम्मीदवार, उनके उनका नाम इनको अरे तो 2 साल पहले इम्तियाज साहब उनको बोल चुके हैं ना, 2 साल से इम्तियाज साहब उनको बोल रहे हैं, समझो बात को, मिले भी ना आप उनसे एक मरतबा, उनके भी बात किए मिलने के बाद कुछ अब वो डिटेल ये बोल। सर, आज़मीन जो हज के लिए गए हैं उन्हें काफ़ी सारी परेशानी हो रही है, लेकिन मरकजी हुकूमत इसे नज़रअंदाज कर रही है। बिल्कुल, हज कमेटी के इंतजाम बहुत बदतरीन हुए हैं, हज कमेटी के इंतजाम सबसे ख़राब हुए हैं, और ऐसा कभी माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाजी जाकर परेशान है और हाजी की लिफ्ट जिस होटल में या जिस बिल्डिंग में खड़ा गया लिफ्ट गिर जाती है और दूर दूर खड़ा कर दिया गया। ये बात सबको मालूम कि जितने हाजी भारत से जाते हैं उसमें ज़्यादा ज़यीफ बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको अब दूर दूर खड़ा कर दिए। और ये जो अगर कोई औरंगाबाद से जाएगा या कोई दूसरे शहर से जाएगा तो उससे आप 70,000-80,000 बढ़ के ले रहे, किस बात के ले रहे आप, क्यों ले रहे आप? आप तो बड़ा बात करें कि वो हम पैसे कम, कहाँ पैसे कम कर दिए आप, तो ये तो पैसे इजाफा कर दिए उसमें। और जो जो प्राइवेट हज ऑपरेटर्स हैं उनको कोर्ट को जाना पड़ा, कोर्ट को जाकर जा रहे हैं वो लोग। तो इस साल बहुत ही गलत इंतजाम हुआ। हम तो इस मोदी सरकार से अपील करते हैं कि इसका जायजा लें, ये क्यों हुआ, ये हज का इंतजाम इतना खराब क्यों हुआ, मतलब तो प्रोब होनी चाहिए इसके ऊपर। अभी आखिरी सवाल है, PRS और आपका भी पक्ष, दोनों का भी मतलब महाराष्ट्र का पक्ष है दोनों।